दाल तो आप रोज ही खाते हैं, आज दाल की एक सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे, दाल तो आप रोज ही खाते हैं, आज दाल की सब्जी बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पास हमने चने की दाल लिया है और खड़ी मूंग लिया है हरी वाली। इनको हमने 4 घंटे के लिए सोक कर लिया था, अभी हमको इनको बॉईल करना है। यहाँ पास हमने कुकर लिया है, इसमें दाल को डाल देते हैं। इसको भी डाल देंगे हम, पानी डालेंगे। हमने 2 कप पानी लिया है, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे। यहाँ पर हमने दाल चढ़ा दी है, हमको 1 सीटी लेनी है। दाल हमारी बॉईल हो गई है, 1 सीटी हमने लगाई थी। आपको दाल को गलाना नहीं है, मैसी नहीं करना, आपकी दाल खड़ी रहे, पक जाए खड़ी रहे। अब इसको छान लेते हैं। दाल का पानी आपको फेंकना नहीं है, उसमें बहुत प्रोटीन रहती है। उसमें नींबू डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, उसको पी लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने रख दी है गैस पे, तेल डालेंगे 2 चम्मच, काली मिर्च डालेंगे इसमें हम, लौंग डालेंगे 4 से 5 हैं, तेज पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, लहसुन डालेंगे 1 चम्मच। लहसुन का अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से जब लाल हो जाएगा तो इसमें प्याज डालेंगे हम। ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज की। 1 हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई। इसमें थोड़े सूखे मसाले डालेंगे हम, हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच देगी मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर इसको 2 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। धनिया पाउडर 2 चम्मच डालना है, जीरा 1 चम्मच डालना है, इसको ज़रूर से ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पास हमने 2 टमाटर लिए, हमने प्यूरी कर लिया था उसका। अगर आप प्यूरी नहीं करना चाहते तो कट करके भी डाल सकते हैं, चॉप करके। अभी इसको अच्छे से पकाएंगे। जब हमारा टमाटर अच्छे से भुन जाएगा, इसमें डालेंगे 1 चम्मच हम सब्जी मसाला। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमको अच्छे से मसाला को भूनना है, जब तक इसका तेल बाहर नहीं आ जाता। फिर इसमें हम अपनी दाल ऐड कर देंगे। कभी कभी आपके पास जब सब्जियां ना हो, दाल ना खाने का मन हो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दाल तो घर ही में रहती है सभी के। बहुत ही कम सामान में बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तेल बाहर आ गया। अब इसमें हम दाल डाल देते हैं। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, पर आप टेस्ट करके डालिए, क्योंकि हमने दाल में भी पहले नमक डाला है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। चार मिनट के लिए ढकेंगे, क्योंकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए, फ्लेवर आ जाए उसका अच्छे से। अगर आपको पानी ऐड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो दाल बन जाएगी, सब्जी नहीं बनेगी। लास्ट में कुछ भी नहीं करना है, इसमें थोड़े से चॉप्ड कड़ी पत्ता डालेंगे हम, थोड़ी सी अदरक डालेंगे बस। अगर आप धनिया डालना चाहें धनिया भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसको सर्व करते हैं। हमारी सब्जी बन के तैयार है। लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच घी इसमें। थोड़ा अदरक के जूलियन से गार्निश करेंगे इसको। हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप इसको फुलके के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, खाइए और खिलाइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बाय बाय गाइस।